आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में भी तमाम जगहों पर योग दिवस मनाया जा रहा है। वहीं शहर के किन्नर समाज के लोगों ने भी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर व किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य कौशल्यानंद गिरी टीना माँ के नेतृत्व में सुबह 6 बजे से योगाभ्यास किया। कौशल्यानंद गिरी का मानना है कि योग सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि मानसिक शांति और जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए भी बेहद जरूरी है। जी आज हमारे पूरा किन्नर समाज के लोग और ट्रांसजेंडर समाज के लोग मिल के हम लोग ने योगा दिवस को मनाया। योगा तो हम लोग रोज ही करते हैं और आज विशेष दिन था, खास दिन था, इसीलिए आज हम लोग सबको एकत्रित होके यहाँ पे योगा किया और योग दिवस मनाया, विश्व योग दिवस। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि योग करिए, निरोग रहिए। जब तक आप निरोग नहीं रहेंगे तब तक आप राष्ट्र के चिंतन नहीं कर पाएंगे, राष्ट्र हित के लिए सोच नहीं पाएंगे। जब आप निरोग रहेंगे तभी आप समाज के लिए और राष्ट्र हित के लिए सोच पाएंगे। तो आप लोग योग करके निरोग रहिए। बहुत सारे ऐसे बीमारी है जो दवाइयों से सही नहीं होता है, योग से सही होता है। तो योग करना बहुत जरूरी है आजकल के इस परिस्थिति में। जो व्यक्ति योग करता है वो हमेशा निरोग रहता है। तो हम आपसे भी से यही कहती हूँ कि जरूर से जरूर योग करिए। देखिए हमारा किन्नर समाज भी योग कर रहा है और योग करके सभी को ये संदेश दे रहा है कि आप लोग भी योग करिए। आज हम लोग ने सूर्य नमस्कार किया, अलोंग विलोंग किया, बट वृक्ष बन के हम लोग ने एक समाज को एक संदेश देने का काम किया है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी योग को बढ़ावा दे रहे हैं। जो हमारे प्राचीन पद्धति जो योग पद्धति है इसको पूरा देश विदेश में, आज पूरा विश्व में सबको योग कर रहा है। तो इसका बहुत बड़ा महत्व है, आज पूरा विश्व जान रहा है और विश्व में हमारे देश की ख्याति बढ़ रही है। तो हम लोग इस देश के वासी है, हमारे माननीय SSP प्रधानमंत्री जी का अपील है। तो हम लोग सबको योग करना बहुत जरूरी है। योग जरूर से जरूर करिए, अपने समाज के लिए करिए, अपने परिवार के लिए करिए, अपने राष्ट्र के लिए जरूर से जरूर करिए। मैं कौशल्यानंद गिरी किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर और समर्पित ट्रस्ट के अध्यक्ष है और किन्नर कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार की सदस्य।